मैक्स अंतारा, सेक्टर 150 नोएडा। ये इसी प्रोजेक्ट का मॉडल है जिस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फेज वन में 3 टावर्स बनेंगे और फेज टू में 2 टावर्स बनेंगे। सेक्टर 150 में एक खूबी और भी है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज हैं और गोल्फ का एक हिस्सा इस प्रोजेक्ट तक आता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK अपार्टमेंट। इसकी एंट्रेंस और एक खास तरह की रिचनेस की फील मुझे महसूस हुई, जैसे डोर का लॉक, और फ्लोरिंग भी मैंने नजर डाली, बाथरूम में भी जहां कहीं भी गया एक क्लास अपने आप में डिफाइन हो रहा है। ड्राइंग रूम में घुसते ही राइट साइड में पहला बेडरूम, बाथरूम में जो मैंने नोटिस किया कि शार्प एजेस कहीं भी नहीं है। और ये शार्प एजेस कभी ना कभी हमें नुकसान भी पहुंचा देती हैं, कभी अचानक से पैर फिसलने पर और या कोई और दिक्कत आने पर, तो शार्प एजेस से बचाव किया गया है। और ये चीज मैंने रूम के अंदर भी नोटिस की कि जो दीवार के कॉर्नर्स थे वो भी राउंडेड थे, जैसे ये वाला कॉर्नर राउंडेड है। बेड के दोनों तरफ मुझे पैनिक बटन मिले, जरूरत पड़ने पर केवल आपको पैनिक बटन प्रेस करना है और कोई ना कोई आपको अटेंड करेगा। बहुत ही खूबसूरत लॉबी, ड्राइंग रूम ये एल शेप में होने से काफी ग्रैंड लगता है, डाइनिंग एरिया लिविंग एरिया अलग अलग हो जाता है और काफी स्पेस खाली मिल जाता है। ये वही बालकनी जो पिछले बेडरूम से दिख रही थी, काफी स्पेसियस। यहां भी मैंने नोटिस किया कि रेलिंग के साथ एक पाइप और भी गया हुआ है ताकि हमारा बॉडी का बैलेंस बालकनी की तरफ ही रहे। किचन, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, ड्राई एरिया वेट एरिया अलग अलग है। किचन का एंट्रेंस भी बड़ा प्यारा है, यहां भी उन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है। काफी गैजेट्स इसमें आपको किचन के साथ मिल रहे हैं, शार्प एजेस नहीं है और काफी गैजेट्स आपको इसके साथ में ही मिल रहे हैं इनबिल्ट। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड में स्टोर रूम और राइट साइड में एक और बेडरूम। चेंज रूम, बाथरूम स्पेसियस और एक रिच लुक के साथ। यहां पर भी काफी स्पेस है, सोफा भी पड़ा हुआ है एक सिटिंग के लिए। मास्टर बेडरूम और उसी से लगा हुआ बाथरूम, चेंज रूम, ये चीज सभी जगह नोटिस करने को मिली, बाथरूम में किचन में, कि सारे कॉर्नर्स राउंड हैं,
सेंसर लाइट लगी हुई है जो हमारी मूवमेंट करते ही जल जाती है। इसकी रात में विशेष जरूरत होती है जब अचानक से उठकर हम चल पड़ते हैं। यहाँ पर भी बालकनी और उसी तरह से सेफ्टी रॉड बालकनी की रेलिंग में लगी हुई है जैसे पीछे दिखाई थी। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा स्पेस हमें मिलता है अपने रहने के लिए। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।